नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जदीप क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को याद करने की सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के लिए हराया। सेकेंड 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें कि राणा सांगा के लिए बाबर ने हराया। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदनी राय के लिए हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के लिए हराया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो देखिए, इन युद्धों को आप किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो ट्रिक आपके सामने यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। देखिए ट्रिक क्या है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो देखिए इसको आप कैसे रिलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा है 26 में पानी पिया। देखिए पानी से आप रिलेट कर पाएंगे क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के लिए हराया। 27 में खाना खाया, तो खाना से आप क्या रिलेट कर पाएंगे, खानवा का युद्ध, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा के लिए हराया। 28 में चल दिया, तो चल से आप रिलेट कर पाएंगे चंदेरी का युद्ध, यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदनी राय के लिए हराया। 29 में घर गया, तो घर से आप घाघरा के युद्ध को कनेक्ट कर पाएंगे। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के लिए हराया। और 30 में मर गया, तो देखिए 30 में मर गया, यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन युद्धों को आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, मैं इस टाइप की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।